नमस्कार दोस्तों एग्जाम टूर चैनल पर आप सबका स्वागत है बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस थ्री आज हम लोग करेंगे तीन से दो सेट प्रैक्टिस करा दिया गया है आप प्लेलिस्ट लिस्ट में जाकर सेट लगा सकते हैं चलिए पहला प्रश्न देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये पूछा जा रहा है तो ऋषभ देव ऋषभ अरिष्ट नेमी शंख और पार्श्वनाथ सर्फ फण ये सभी हो जाएगा यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है दो नंबर दो नंबर प्रश्न बोल रहा है नेचुरल हिस्टोरी का किसकी रचना है ये बताना है तो ये प्लिनी हो जाएगा यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा तीन नंबर में क्या कहा जा रहा है तीन नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी चलिए आंसर करिए तीन नंबर का तो ये बी आर अम्बेडकर ने किया था नेक्स्ट प्रश्न है चार नंबर चार नंबर प्रश्न बोल रहा है आर्य समाज निम्नलिखित में से किन सिद्धांत का सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित किया चलिए आंसर करिए तो ये इनमें से सभी हो जाएगा मूर्ति पूजा का विरोध बाल विवाह बहुविवाह का विरोध वेदों का अध्ययन चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए पाँच नंबर प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कालिदास कृत नहीं है चलिए आंसर करिए पांच नंबर प्रश्न तो ये मालविकाग्नि है विक्रोम अर्षियम है अभिज्ञान शकुंतलम है लेकिन ये सीनमम मृक्ष कटिकम नहीं है चलिए पाँच नंबर प्रश्न देखेंगे पाँच छः नंबर प्रश्न देखेंगे छः नंबर प्रश्न बोल रहा है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था चलिए आंसर करिए छः नंबर प्रश्न का तो ये आपका हो छः नंबर प्रश्न का आंसर करिए कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था तो ये कर्जन के समय में हुआ था सात नंबर प्रश्न कह रहा है पूना में 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे आठ नंबर कह रहा है बी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया चलिए तो ये बौद्ध धर्म अपनाया किस गवर्नर जनरल के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 सौ पारित हुआ चलिए तो ये कैनिंग के समय में यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा दस नंबर प्रश्न कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई चलिए आंसर करिए तो ये सत्रह सौ में सत्रह सौ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सत्रह सौ में चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है ग्यारह नंबर प्रश्न कह रहा है खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे तो ये खान अब्दुल गफार खान यानी बी नंबर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है राजा टडोरमल किस विभाग के प्रमुख थे तो ये लगान संबंधित कार्य के प्रमुख थे यानी कि वित्त विभाग भी चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो नियमिस्टोलॉजी यानी कि बी नंबर आंसर होगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चौदह जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन कहाँ हुआ था या किस स्थान पर हुआ था ये पूछा जा रहा है चौदह नंबर तो ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र पंद्रह कह रहा है वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण के समय सर्वाधिक प्रभावित हुआ तो ये आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ था नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सोलह निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दो देशों की सीमावर्ती है चलिए तो असम भी है मिजोरम भी है उत्तराखंड यानी कि सभी हो जाएगा आंसर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जम्मू कश्मीर के शासन में नहीं है चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका नाथपा झाकरी परियोजना नहीं है बाकी सब परियोजना है यानी कि सी नंबर चलिए अट्ठारह देखेंगे अठारह नंबर प्रश्न है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है चलिए अठारह नंबर प्रश्न करेंगे अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है तलीम फोफो नदी नेक्स्ट प्रश्न है वह कौन सी तिथि या तिथिया है जब दो गोलार्धों में दिन और रात बराबर होती है उन्नीस का आंसर करिए तो सी हो जाएगा इक्कीस मार्च और तेईस सितम्बर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बीस नंबर क्या कह रहा है बीस कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है आप लोगों को तो ये सुमेलित नहीं है बी नंबर वीरहोर झारखंड नहीं होगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है चलिए कहाँ पे है 21 नंबर का तो ये हवाई द्वीप का बाईस नंबर है दक्षिणी अमेरिका का चौथा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है तो ये आपका पम्पास हो जाएगा तेईस नंबर पर हिमालय का विस्तार अराकनामोयो कहाँ स्थित है अराकनायोम चलिए आंसर करिए तेईस का तो ये मेहमान में, में स्थित है नेक्स्ट प्रश्न है चौबीस नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का किस्म उन्नत है चलिए चौबीस का आंसर करिए तो ये एंथ्रासाइड यानी कि डी हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न पच्चीस है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पच्चीस में बोल रहा है सुमेलित कौन नहीं है तो ये कहलगाँव सुमेलित नहीं होगा झारखंड गलत दे रहा है चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे छब्बीस नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है चलिए सत्ताईस छब्बीस बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना चलिए सत्ताईस देखेंगे सत्ताईस क्या कह रहा है सत्ताईस कह रहा है मिलान करना है तो सत्ताईस देखिए सर्व शिक्षा अभियान ये आपका हो जाएगा दो उसके बाद है साक्षर भारत मिशन यह आपका हो जाएगा 2009 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यह आपका हो जाएगा उन्नीस राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये आपका हो जाएगा उन्नीस यानी कि ये नंबर आंसर हो जाएगा चलिए 28 देखते हैं 28 में क्या कह रहा है 28 कह रहा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया जाता है उनतीस प्रश्न है भारतीय कर प्रणाली में आयकर एक निश्चित अनुपात तक बढ़ाता है उसके पश्चात स्थिर हो जाता है इस प्रकार की प्रणाली को क्या कहा जाएगा चलिए आंसर कीजिए उनतीस नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करिए तो ये आपका हो जाएगा प्रगतिशील यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है तीस नंबर कर है वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए चलिए आंसर करिए तीस नंबर प्रश्न का तो ये आपका हो जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का यानी कि ए केवल सही है बाकी सब गलत है नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है इकतीस नंबर कह रहा है भारत के प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है इकतीस बोल रहा है तो ये आपका हो जाएगा आयकर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था चलिए बत्तीस नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग तो ये उन्नीस में हुआ था नेक्स्ट प्रश्न है हेलीकॉप्टर मनी संबंधित है चलिए तैंतीस बताएंगे हेलीकॉप्टर मनी के बारे में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा नोट छाप कर सब्सिडी प्रदान कर और अन्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के हाथ में अचानक अत्यधिक धन थमा देना हेलीकॉप्टर मनी कहलाता है चलिए चौंतीस नंबर देखेंगे चौंतीस कह रहा है संख्या मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है कॉमनिवेश पूंजी प्रवाह में कमी मुद्रास्फीति में कमी चलिए चौंतीस का आंसर करिए तो ये हो जाएगा एक दो तीन यानी तीनों हो सकता है डी नंबर आंसर होगा पैंतीस देखेंगे पैंतीस का निम्नलिखित में से कौन सा या से मौद्रिक नीति का एक घटक है चलिए पैंतीस में एक करेंगे तो ये आपका पैंतीस क्या होगा पैंतीस हो जाएगा बैंक दर नगद आरक्षी अनुपात रेपो दर खुले बाजार की क्रिया यानी एक दो तीन चार यानी डी हो जाएगा चलिए छत्तीस देखेंगे छत्तीसगढ़ निम्नलिखित कथाओं पर कथनों पर विचार कीजिए घाटे का बजट किसी अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से निपटने का एक नीतिगत साधन है चलिए तो देखेंगे 36 का क्या कह रहा है और दो नंबर में कह रहा है कि संतुलित बजट अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए निकट लाती है तो केवल दो सही है ठीक है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सैंतीस नंबर क्या कह रहा है सैंतीस कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है चलिए सैंतीस को देखिए तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर घरेलू मुद्रा में मूल आहरा निर्यात को प्रोत्साहन करता है ये गलत है चलिए अड़तीस देखेंगे अड़तीस कह रहा है विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अड़तीस नंबर देखिए क्या कह रहा है तो ये विश्व बैंक मुद्रा विश्व बैंक द्वारा इसे उन्नीस में अपनाया गया इसका मूल्य बास्केट और करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर ज्ञात किया जाता है चलिए आंसर करिए अड़तीस का तो ये हो जाएगा केवल तीन सही है बाकी सब गलत है नेक्स्ट प्रश्न उनचालीस देखिए उनचालीस का रहा हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा उनचालीस का चलिए चालीस देखते हैं चालीस बोल रहा है हाल ही में किसे देश का पहला कोरोना वायरस टीका लगाया गया चलिए चालीस आंसर करिए तो ये मनीष कुमार को लगाया गया नेक्स्ट प्रश्न इकतालीस नंबर क्या कह रहा है हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपने पड़ोसी देशों को कोविड टीके उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल चलाई गई तो ये वैक्सीन मैत्री चलिए बयालीस देखेंगे बयालीस में कह रहा है हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया चलिए बयालीस देखेंगे तो तरुण गंगोई को नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न है तैंतालीस हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया तैतालीस नंबर देखेंगे तो ये ओडिशा में किया गया फायर पार्क चौवालीस नंबर क्या कह रहा है हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई चलिए चौवालीस देखेंगे तो ये रेशमा मरिया राय रॉय मरियम रॉय रेशमा मरियम रॉय चलिए देखेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट करिए चलिए पैंतालीस देखते हैं हाल ही में थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर लंबी वासुकी मालगाड़ी चलाई गई इस मालगाड़ी में कितने इंजन आपस में जोड़े गए थे चलिए पैंतालीस का आंसर कीजिए तो पाँच नेक्स्ट प्रश्न है छः नंबर हाल ही में एन की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई तो ये हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर यानी कि हापुड़ चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सैंतालीस नंबर क्या कह रहा है सैतालीस कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा इनिविक वायरस नामक सिर से एक रिपोर्ट जारी किया गया था इनिकवालिटी वायरस नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया चलिए तो ये ऑक्सफैम के द्वारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है अड़तालीस कह रहा है मिडनाइट सिंगर किस गायक की ऑटोबायोग्राफी है मिडनाइट सिंगर तो ये हो जाएगा नरेंद्र चंचल का उनचास नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस वैश्विक निकाय में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी की चलिए उनचास का आंसर कीजिए तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पचास में देखेंगे पचास कह रहा है हाल ही में असम सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों के मुफ्त सफर हेतु किस योजना की शुरू की चलिए भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इक्यावन नंबर कह रहा है हाल ही में किस देश की सरकार ने चाइल्ड केयर सब्सिडी के मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे दिया चलिए इक्यावन नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे नीदरलैंड नेक्स्ट प्रश्न है बावन नंबर हाल ही में किस राज्य सरकार में देश के सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क स्थापित करने की घोषणा की चलिए बावन का आंसर करिए तो ये गुजरात हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है तिरपन नंबर हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने प्रोजेक्ट लून बंद करने की घोषणा की तो ये गूगल ने चौवन को देखेंगे चौवन कौरा निम्नलिखित में से किस देश में ऑपरेशन एम टी. प्लेट चलाया जा रहा चलाया जा रहा है चलिए चौवन तो ये चीन में चलाया जा रहा है पचपन नंबर प्रश्न क्या कह रहा है पचपन कह रहा है हाल ही में किसके एक रॉकेट से एक सौ तैंतालीस सेटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया तो ये स्पेस एक्स चलिए छप्पन देखेंगे छप्पन कह रहा है हाल ही में हावड़ा काल का मेला का नाम परिवर्तन कर दिया गया अब यह मेला किस नाम से जाना जाएगा हावड़ा कालका चलिए छप्पन को देखेंगे नेताजी एक्सप्रेस चलिए संतावन देखेंगे हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया चलिए तो यह हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती को अंठावन नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है तो ये हो जाएगा रावकेला इस्पात कारखाना फिफ्टी नाइन नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के नियंत्रण महल का परीक्षक नियुक्ति कौन करता है तो ये आपके राष्ट्रपति करेंगे भारतीय संविधान कैसा है चलिए आंसर करिए तो न तो कठोर और न ही लचीला चलिए अक्सठ देखेंगे एक्सठ नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई चलिए तो ये आपका हो जाएगा अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में चलिए बासठ नंबर देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है तो सांसद के पास है भारतीय स्वाधीनता स्वाधीनता विधेयक को राज्य स्वीकृति प्राप्त हुई थी तो अठारह जुलाई उन्नीस को नेक्स्ट प्रश्न है चौसठ नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति में राज्यों की रक्षा करे अनुच्छेद तीन सौ नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न कह रहा है पैंसठ नंबर भारतीय संविधान के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है चलिए पैंसठ का आंसर करिए तो ये लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है चलिए संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रियों विभागों का सृजन किया जाता है हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है चलिए आंसर करिए तो ये केवल दो सही है यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा सड़सठ देखते हैं भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है चलिए तो ये केवल न्यायिक समीक्षा में अंतर है बाकी सब ठीक है सामूहिक उत्तरदायित्व व्यवस्था वास्तविक एवं नामात्र कार्यपालिका चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत में संविधान की मूल संरचना यानी मूल ढांचा किसके सिद्धांत का स्रोत है चलिए अड़सठ का आंसर करिए तो न्यायिक व्याख्या का सिद्धांत का नेक्स्ट प्रश्न देख रहा है सिक्सटी नाइन में लिख रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्य कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसके संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो चलिए सिक्सटी नाइन आंसर कीजिए तो अनुच्छेद दो सौ संतावन के अंतर्गत वर्णन है सत्तर नंबर में कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है चलिए सत्तर का आंसर करिए तो सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र यानी कि डी हो जाएगा चलिए इकहत्तर देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में को? समय संविधानिक सलाहकार कौन थे तो बी एन राव थे चलिए बहत्तर देखेंगे भारत के संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से कौन सही है कथन क्यों सही है तो ये आपका हो जाएगा इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेन देना नहीं यानी बी सही हो जाएगा चलिए तिरसठ नंबर देखेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है चलिए ये का आंसर कीजिए तो अनुच्छेद बीस कौन सी भौतिक माप डाप डायाप्टर में मापी जाती है चलिए तो ये हो जाएगा शक्ति नेक्स्ट प्रश्न है पचहत्तर नंबर क्या कह रहा है कह रहा है अधोलिखित में ध्वनि किस माध्यम में संचरित होती है चलिए तो ये हो जाएगा निर्वात में द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होने का कारण क्या है चलिए आंसर करिए छिहत्तर नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिए आप लोग तो इसका आंसर हो जाएगा बूंद पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव चलिए छिहत्तर नंबर आंसर करेंगे छिहत्तर का आंसर हो जाएगा द्रव पर अपने पृष्ठ तनाव के कारण अपने तल के क्षेत्र में न्यूनतम करने की प्रवृत्ति चलिए सतहत्तर देखेंगे सतहत्तर क्या कह रहा है सतहत्तर कर निम्नलिखित में से कौन सा गैस समीकरण तो सही है ये पूछ रहा है सतहत्तर नंबर तो ये सी नंबर सही है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अठहत्तर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस किसमें त्रिबंध पाया जाता है चलिए अठहत्तर का आंसर करिए तो ये ए नंबर हो जाएगा एस सी एन में पाया जाता है उनासी में है यदि एन किसी तत्व तो के परमाणु संख्या एक कक्षा में संख्या को प्रदर्शित करता है तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी तो ये हो जाएगा टू एन स्क्वायर अस्सी में क्या कह रहा है कौन जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का कर रचना करते हैं तो उनमें होता है क्या होता है नाभिकीय नाविकेशन लासी नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस लौड़ को तो नीला थोथा के नाम से भी जाना ज्यादा तो कॉपर सल्फेट ये नंबर हो जाएगा चलिए बेरासी में क्या कह रहा है बेरासी कह रहा है डायनेमो डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तैंतालीस नंबर छिपकली किस वर्ग में के आते हैं तो ये रेप्टीलिया नेक्स्ट प्रश्न जिन पौधे में फूल और बीज लगते हैं उनको क्या कहते हैं चलिए चौरासी का आंसर कीजिए तो ये फेनोरोमैम्स नेक्स्ट प्रश्न है पचासी नंबर पचासी नंबर कह रहा है निम्नलिखित तो विटामिनों पर विचार कीजिए चलिए कह रहा है विटामिन बी टू ए और ई केवल एक दो और तीन ठीक है सही है किसके दूध किसके स्रोत है पूछ रहा है तो एक दो तीन तीनों का स्रोत है चलिए छियासी नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन प्रतिशत अधिकतम होती है चलिए छियासी देखते हैं तो ये पुरुष हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है सत्तासी नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है सतासी तो सी अठासी देखेंगे अठासी कह रहा है एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के किडनी में से होकर कितनी लीटर रक्त सफाई होती है चलिए अठासी का आंसर करिए एक सौ अस्सी लीटर रक्त नवासी देखेंगे नवासी कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कितनी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है चलिए नवासी देखेंगे उपयुक्त में से सभी के नब्बे में क्या कर रहा है यदि T1, T2, T3 टी थ्री क्रमशः हीरा कांच और जल के प्रकाश की आवृत्ति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो ये आपका हो जाएगा T एफ बड़ा होगा F2 से F2 टू या टी थ्री या कोई कही चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इक्यानवे नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस में मैग मैग्नेशियम मौजूद होता है चलिए इक्यानवे का आंसर कीजिए क्लोरोफिल में एक कण जिसकी कम से कम बीमा टेन टू पावर माइनस सात मीटर से कम हो कहलाता है क्या कहलाता है बानवे नंबर तो नैनो पार्टिकल चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न प्रसंद है कॉलम ए और कॉलम दो में मिलान करना है तिरानवे नंबर प्रश्न है इसके बारे में विचार करेंगे तो ये हो जाएगा आपका तिरानवे नंबर का सरकारा पूछ रहा है ए में तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज चार नंबर फल सरकारा पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा प्रोक्टोच दुग्ध सरकारा पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा लैक्टोज चीनी सरकारा पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा सुक्रोज एस्टिविया पूछ रहा है यानी कि लास्ट में तो ये हो जाएगा एक प्राकृतिक शूद यानी कि ए नंबर सही है चलिए चौरानवे देखेंगे चौरानवे में क्या कह रहा है और आए अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है चलिए तो ये ओसियन ओसियन प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है पंचानवे तो ये ग्लूका चलिए छानवे में देखें फैलिक ग्रंथि पाया जाता है चलिए छानबे करिए छानबे का होता है तिलचट्टा में धन्यवाद दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट